श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने नामयम विष्णु पादाय राधिकाय गिरिजात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने नामयम विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव अतिमर्दचरित्राय स्वास्थिता नैच पालिने जीव दुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदाय नामय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते सिद्धांत सरस्वती नामिने हरिवारसभानिधिदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रविष्णु महात्मने नामय विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवारसभानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रमाढ़ श्रीरूपानुग भक्ति श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुधाप सिद्धांत दंतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबुधि पादंबुजायते नमः नाम भक्ति विनदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानु गगरायते गौरावृभावमिस्तन निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाचा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दवनाला सम संसार दहने दग्ध जीव कुला उधार कारणी करुणा Yeah.
युक्ति कर सकी जनक सावनी अति कष्ट ताहे प्रिय कहावने Thank you.
हरे कृष्ण चैतन्य Oh,
Thank you.
सुमरे भुनिया विद्या पीड़ा पीड़ित रस नामो कृष्णदेव भवन्तु।
तुम गा, तुम गाता नहीं बोला, गा कृष्ण देव भवंत जरा। Love it,
Thank you.
ब्रह्मज्ञानतिमिरामुग्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः वदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितरीला प्रविष्ट विष्णु पादोदर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितरीला प्रविष्ट विष्णु पादोदर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्री खट्वांग महाराज को जो पता चला मेरे पास में केवल एक मुहूर्त बाकी है, उन्होंने इस मर्त्य जगत में आए, क्योंकि जो भगवान की भक्ति है ये मर्त्य जगत में ही होता है, स्वर्गलोक में जर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा भोग विषय है। इसलिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते, बोले प्रभु अगर हमें जन्म देना ना कहाँ पर दो, भारतवर्ष में दो, विशेष करके हमें भारतवर्ष में दो, भारतवर्ष ये पुण्य भूमि है। कहते यहाँ स्वाभाविक रूप में भगवान के चरण में मन लग जाता है, यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे जितने सब पुण्य भूमि कहते श्री भारत भूमि में। इसलिए कहते उन्होंने बड़े तीव्र एक विमान को द्वारा किसी मर्त्य जगत में आए और सारे इंद्रियों को विषय से हटा करके ये मन को भगवान के चरण में लगाए और चरण को लगा करके उन्होंने एक मुहूर्त में ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवत प्राप्ति उन्होंने एक मुहूर्त में कर दिया। तब यहाँ पर कह रहे हैं है? कहते उन्होंने सारे देवताओं का उपासना को उन्होंने इसको क्या कर रहे कहा बढ़िया सोचा बाद में बैठ लगा दे। इसलिए उन्होंने उन्होंने सारे देवताओं का जब उन्होंने सारे देवताओं से उन्होंने मुक्ति प्रार्थना की, लेकिन मुक्ति कोई भी नहीं दे सके, केवल मुक्ति केवल मुकुंद ही ये मुक्ति दे सकते हैं। इसलिए सारे देवताओं का भरसा छोड़ करके लास्ट में उन्होंने किसका शरण लिया है, कहते केवल लास्ट में उन्होंने श्री भगवान के चरण में शरण लिया है। यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया ये 33 करोड़ देवता को पूजा करके तुम्हारे कोई लाभ होने वाले नहीं, ये कोई तुमको अमर वर दे नहीं सकते, ये जन्म मृत्यु का मुक्ति से कोई तुम्हें
निकाल नहीं सकते, इसलिए पूजा करना तो बांस केवल श्री कृष्ण को ही भक्ति करो, वही तुम्हारी बेड़ा पार ले जाएगी। और देखना सारा जीवन भले ही जिसको पूजा करो पूजा करना, लेकिन अंतिम समय जब आएगा बोले राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोलो देते हैं सबको वह झूठा है। जब झूठा है फिर उनको क्यों जिंदगी भर क्यों उनको पूजे, जो सच्चा है उसको ही तो पूजा करनी चाहिए। इसलिए सबको छोड़ कर उन्होंने भगवत आराधना उन्होंने की है। तो यहाँ पर कह रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जो कहते, देखो परीक्षित महाराज तुम्हारे पास में एक सप्ताह है, सात सात दिन तक अभी तुम कोई चिंता मत करो, बैठो और भगवान की कथा को श्रवण करो। कहते जब जीव को पता चले हमारी मृत्यु, अभी मृत्यु पास में है, मृत्यु हमारे पास में है, उसको जानने का साथ साथ क्या करनी चाहिए, कहती ये संसार को त्याग दे देनी चाहिए। त्याग को देख करके देकर क्या करो, कहती ये मन को धीरे 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 पहले तो भगवान की ये विराट रूप में पहले मन लगाओ। कहते ना सिया राम भाई सब जगह जानी, जहां तुम्हारे नेत्र पड़े ये समझना कि विश्व ब्रह्मांड भगवान की ये विराट रूप है। कहते जितना नदिया है भगवान के नस है, जितने वृक्षावली क्या है ठाकुर जी की रोमावली है, ग्रहण जितने सारे चंद्र सूर्य को देखो तो भगवान की दो चक्षु है। इसलिए सात लोग ऊपर में और सात लोग नीचे है, वहां पर वर्णना किया है ये कौन सा अंग भगवान की, कौन सा लोग कौन सा अंग है, क्योंकि जो मन सर्वप्रथम भजन में लगना बड़ा कठिन है मन को, इसलिए पहले भगवान की स्थूल रूप में भगवान के विराट रूप में मन को लगाओ, फिर धीरे 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 ये मन को धीरे 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 कंट्रोल कर, करते करते फिर भगवान की ये स्वरूप में भगवान का मन अपना मन को लगाओ। कृष्ण कैसे त्रिभंग ललित रूप में कृष्ण कैसे खड़े हैं, कैसे कृष्ण मीठी 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 कैसे बांसुरी बजाते हैं ठाकुर जी, तीन जगह से कृष्ण कैसे टेढ़े हैं, कैसे वो मयूर पंख धारण किए हैं। इसलिए जिसको श्री गोपियां कहती हैं बराहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कपिशयम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तत गीत कृति। पहले धीरे धीरे भगवान की ये सुंदर रूप में कैसे वैजयंती माला ठाकुर जी कान में कैसे सुंदर कुंडल पहने हैं, हैं? और ठाकुर जी कैसे पीताम्बर पहन करके रखे, चरण में कैसे नुपुर है, हैं? कैसे ब्रज गोपियों को राधा रानी कैसे बाह बरसों में सब सखियों के साथ में कैसे ठाकुर जी खड़े हैं। कहते दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रु माधव श्रीमत रत्नागर सिंहासन स्थ श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो प्रेष्ठाली भी सब्बमान स्मरामी। कैसे ठाकुर जी कल्प वृक्षों के साथ में कैसे सखियों के साथ में ठाकुर जी कैसे शोभायमान हो रहे हैं। ये मन को धीरे धीरे भगवान के करिए सूक्ष्म स्वरूप में लगा। इसलिए कहते हैं जितासन जित श्वास, इस श्लोक को तुम लोग ये लिख लेना, बोले जितासन जित श्वास जित सांग जितेन्द्रिय स्थूले भगवत रूपे मन संधारित दिया। इसलिए पहले क्या करो, बोले जितासन, जितासन मतलब हमारा मन बड़ा चंचल है, इसलिए क्या करो पहले एक आसन पर बैठने का कोशिश करो, एक आसन पर जैसे ज्यादा समय तक बैठ करके जैसे ये हरिनाम को कर सके, जैसे हम लोग कभी भी हरिनाम करते ना घूमते घूमते देखते देखते नहीं, ये नियम नहीं, नियम है हरिनाम एक जगह पर बैठ करके मन को लगा करके हरिनाम को करनी चाहिए। इसलिए देखना कभी कभी ना बहुत दिन तक कभी कभी हम साधन करते करते भी देखना कोई फल नहीं मिलता, कारण क्या, बोले कारण है कि जैसे हरिनाम करनी चाहिए कभी कभी हम वैसे हरिनाम नहीं करते, घूम फिर करते करते बात करते करते इधर उधर करते करते हम हरिनाम, इसलिए हमारी सिद्धि नहीं होती, सिद्धि नहीं होती। इसलिए नियम है एक जगह पर बैठ करके मन लगा करके, जैसे महाप्रभु कभी ठाकुर के सामने हो नहीं तो ये तुलसी के सामने बैठ करके जैसे महाप्रभु हरिनाम करते थे। इसलिए हम क्या करते कोशिश करते
जिसे हम कहते हैं कथा के बाद यहाँ पर आकर बैठो, बैठ करके थोड़े समय हरिनाम करो, हाँ बैठ करके मन को लगा करके हृदय से पुकार पुकार करके, जैसे गुरु जी करते थे एकदम 3 बजे 2:30 बजे उठ जाते थे गुरुदेव, हैं उठ करके नाश्ता से पहले 1 लाख माला पूरी करके तो भोजन करते। इसलिए गुरु जी से हम कुछ भी लेनी चाहिए, एक नहीं हम उनके चेले, हर चेले तो है, गुरु जी का कुछ आदर्श दे दो, चेले बनने से थोड़ी हो जाएगा, इसलिए गुरु जी का कुछ आदर्श लेनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर सब के सब कथा कर माला लेकर सब यहीं पर आ गए, बैठ गए थोड़ी समय तो कम से कम गुरुदेव पुकार पुकार करके, जब हम वृंदावन में रहते थे गुरुदेव पुकार पुकार के हृदय से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गुरुदेव से पुकार पुकार के हृदय से हे राधे हे कृष्ण आपको भूल करके हम अनादि काल से ये माया में पड़ा हुआ हूँ, आप कृपा करके अपना चरण के हमें सेवा प्रदान कर, इसलिए रो रो करके हृदय से हरिनाम, तब तो अनुभूति होगा, नहीं तो बड़े दिन तक रहते हुए भी हमारा अनुभूति कुछ नहीं होता था, नहीं जैसे हरिनाम करने चाहिए हम वैसे हरिनाम को नहीं करते। इसलिए कहते हैं यहाँ अजितासन, पहले कोशिश करो जैसे एक आसन पर बैठ करके माला करने के लिए है, कुछ समय बैठ करके एक आसन पर, उसको बाद जीता श्वास कहते श्वास को भी धीरे धीरे कोशिश करो, श्वास को भी कंट्रोल करने के लिए, फिर कहते जीतो संग, फिर संग को भी जीतो, संग संग तो मेन वस्तु, सबसे बड़ी वस्तु ये संग है, कहते ना जैसे संगत में रहोगे वैसे ही रंग बदल जाएगा, वैसे ही रंग बदल जाएगा। इसलिए जितने अच्छे शुद्ध साधुओं को साथ में हम निवास करेंगे, उनकी जो भजन है, उनका जो भजन धीरे 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 हमारे अंदर में भी वो संक्रामित धीरे धीरे संक्रामित होता है, धीरे धीरे संक्रामित धीरे धीरे, इसलिए कहते जीता संग असत संग को छोड़ करके हमें हर समय साधु संग में हमें बैठनी चाहिए, पहले जीते इंद्रिय, पर ये इंद्रियों को धीरे 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 ये इंद्रियों को धीरे धीरे जीतने के लिए कोशिश करनी चाहिए भी है, जितेन्द्रिय प्लस स्थूले भगवत रूपे मन न संधारयेत धिया, इसलिए मन को क्या करो भगवान की जो स्थूल रूप में भगवान की विराट रूप में मन को धीरे धीरे लगाओ, फिर धीरे धीरे भगवान की जो सूक्ष्म रूप है जो श्याम सुंदर रूप में धीरे धीरे मन को लगाए करो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब ये बात को बता रहे थे श्री सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पर कहते कब जब किस किस मन में भी ये भावना हो सकता है, बोले क्या भावना हो सकता है, कहते भैया ये तो केवल भजन भजन की बात करते हैं, ये तो कोई भोजन की बात करनी नहीं, इसलिए भूखे ना भजना भय गोपाल ले लो तेरी कंठी माला, इसलिए ये तो कोई कहते भजन करो मन को ये लगा, अरे भोजन का बात तो करो, इसलिए अगर किसकी मन में अगर ये भावना आती है, हैं इसलिए कहते यहाँ तब यहाँ पर कहते बोले सत्याम खितम की कसिप प्रयास बायुधे पवर्ण किम, यहाँ पर 3-4 श्लोक है, यहाँ पर ये श्लोक में बता रहे हैं कैसे साधकों को अनासक्त होकर के जितने जरूरत ये इंद्रियों के लिए उतना वस्तुओं को ग्रहण करते हुए कहते युक्त वैराग्य को साथ में भजन करनी चाहिए, कैसे कहते युक्त वैराग्य को साथ में जितने जरूरत है उतना वस्तुओं को लेकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमें मरकट वैराग्य बा फाल्गु वैराग्य बा हमें प्रसव वैराग्य बा स्मशान वैराग्य छोड़ करके हमें युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य कहते हैं शरीर के लिए निर्वाह के लिए जितने वस्तु है उतना वस्तु लो, इसलिए रूप गोस्वामी कहते ज्यादा भी मत लिया करो और कम भी मत लो, ज्यादा लोगे तो फिर भोगी हो जाओगे, अगर कम लोगे तो फिर रोगी हो जाओगे, हैं इसलिए जितना जरूरत उतना ग्रहण करते हुए क्या करो स्वाभाविक रूप में भगवत चरण में हैं भगवान की भक्ति करो। यहाँ पर कहते हैं हाँ कहते वस्तु से थकते जन वृद्धा भी, इसलिए कहते इस स्वाभाविक रूप में है जो पृथ्वी पहले स्वाभाविक रूप में जो वस्तुओं को प्राप्त हो रहा है
वो सब लेकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अपना यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय हमें भगवान के भजन में लगानी चाहिए, केवल अपना केवल जीविका निर्वाह करने के लिए जैसे दिन भर पूरा उसी में नहीं लगा देनी चाहिए। तब यहाँ कह रहे हैं भैया अगर ठंडा होगा तो फिर तो कपड़ा आप कह रहे भजन भजन करने के लिए ठंडा होगा तो वस्त्र की भी तो जरूरत है। तब उन्होंने बोले देखो जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं ना, अब देखना वहाँ पर बहुत सारे कपड़े कपड़े फेंक देते हैं। ये कह रहे हैं कि वो संपूर्ण रूप में है भगवत निर्भर सिद्ध होकर के पूर्ण वैराग्य युक्त होकर के भजन करना चाहते हैं। कभी जैसे श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इनका जीवन में ये चीज देखने को इनके जीवन में मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद जो कपड़े फेंक देते हैं ना और उसको उठा करके धो धाकर के पास उसको ही ओढ़ लेते थे। इसलिए कहते भैया कपड़े तो चाहिए पहनने के लिए हैं। तब यहाँ पर बड़े क्रोधित होकर के कह रहे हैं बोले भैया चिरानी है चिरानी किम पंथी न संती। इसलिए मनसान में क्या कपड़े को लास्ट में बहुत सारे कपड़े फेंक नहीं उसको उठा कर धोकर पहन उसको ओढ़ लो उसको। हाँ बड़े क्रोधित होकर कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं फिर भैया भूख अगर लगे तो फिर हम भोजन कहाँ से करेंगे। कहते क्या अंधरीपा मतलब प्यार के द्वारा जो पानी लेता है। कहते वृक्ष क्या ये वृक्ष ने क्या फल देना छोड़ दिया। यार वृक्ष में कितने सारे फल, पहले लोग तो यही करते थे ना, क्या करते जंगल में रह करके सारे वृक्ष में फल होता था, फल को खा करके भगवान की भक्ति करते थे। कहते वृक्ष क्या फल देना छोड़ दिया है हैं। कहते भैया उसको वहां से लेकर के खाना खा लो। कहते भैया मात्सर जीवन के इसलिए वृक्ष क्या हाँ अगर कोई बोलते हैं भैया पानी भी तो चाहिए पानी कैसे पिएंगे। लोग कितने सारे भगवान नदी गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी पहले साधु लोग क्या करते थे इस नदी के किनारे में रहते थे। क्यों आसानी से पानी मिल जाती थी, किनारे में आसानी से वृक्ष होता था, आसानी में फल मिल जाती थी। कहते भैया भगवान इतने नदी क्यों किस लिए बनाए। बोले भैया ठीक है नदी से पानी पी लेंगे लेकिन कोई पात्र भी चाहिए ना, बगैर पात्र से पानी कैसे पिएंगे। बोले भगवान ने अंजलि दिया ना, अंजलि में उठा उठा करके नदी का पानी पी लो और मस्त से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए भजन कर लो। अगर कोई बोलेगा भैया जब बारिश होती है आप देखना कभी कभी शिला भी गिरता है और कभी कभी बारिश भी होती है शिला भी गिरता है और कभी कभी देखो अभी कितना ठंडा पड़ रहा है आज बहुत ठंडा ज्यादा ठंडा है ना, हवा तेज चल रही है हवा तेज चल रहा है आज कितना ठंडा। इसलिए भैया इसके लिए बचने के लिए हमको कोई भी कुटिया तो छोटी मोटी कोई कुटिया तो चाहिए पढ़ना सिला कोई है कोई तो कुटिया चाहिए। तो उस पर कहते हैं कि आप पर्वत में क्या गुफा है नहीं। कहते पर्वत में जो गुफा है वो बड़ा अंदर बहुत गर्मी लगता है जैसे ठंडा में ठंडा लगता है ठंडा में गर्मी में ठंडा लगता है। मतलब उसको अंदर में रह करके उसको अंदर में रह कर भजन करो। कहते अगर कोई शेर भालू कोई बाघ आकर खा जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। कहते क्या भगवान अपना भक्त वत्सलता क्या भगवान छोड़ दिया, भगवान क्या भक्तों को रक्षा नहीं करते हैं ठाकुर जी, इसलिए भगवान क्या रक्षा नहीं करते हैं। इसलिए कहते भगवान अपना शरणागत भक्तों को रक्षा करने के लिए ये पृथ्वी को भगवान बड़े सुंदर रूप में ठाकुर जी सजा करके रखा है हैं। इसलिए कहते ये बोले सोने के लिए भैया कोई जगह तो चाहिए। बोले भगवान पृथ्वी इतना बड़ा क्यों बनाए, सोने के लिए तो बनाया पृथ्वी बनाया सज्जा के लिए तो बनाया पृथ्वी को उन्होंने हैं। कहते भैया बगैर तकिया के तो नींद नहीं आएगी, तकिया चाहिए। बोले ये हाथ ठाकुर ने क्या क्यों दिया, ये हाथ को तकिया रूप में हाथ को अंधी कर दो हैं। इसलिए कहते भैया कोई कपड़ा तो चाहिए। बोले ऐसे ऐसे वृक्ष ठाकुर जी बनाए देखना जैसे भोज पत्र ऐसे ऐसे कुछ वृक्ष बनाए जिसका छिलका वस्त्र जैसे जैसे भोज पत्र देखना छिलका एकदम वस्त्र जैसे वो छिलका ही वस्त्र जैसे है। कहते पेड़ में जो बलकल है उसको वस्त्र रूप में धारण कर लो। इसलिए
इसलिए निष्किंचन जो हरि भक्ति करना चाहते हैं निष्किंचन बनकर के यहाँ पर कहते भैया धर्म में जो मर्द व्यक्ति है तो उनके शरण में जाने का कोई जरूरत नहीं, इसलिए क्या करो हाँ? क्या करो, सौहार्द के रूप में जो वस्तु प्राप्त होता है उसको लेकर भगवान की भजन करो। इसलिए पहले लोग ऐसे ही भजन करते, लेकिन प्रभुपाद ने देखा, अगर ऐसे व्यक्तियों को देखोगे ना एक आध कहीं दिखता था, जैसे हमारे गोस्वामी लोगों ने पेड़ को नीचे एक एक दिन रहकर भजन किया। अभी जैसे ठंडा पड़ रहा है, हम घर से उठने पर भी हम कांप जाते हैं, इसलिए जो पेड़ को नीचे बैठ करके पेड़ को नीचे अगर कोई बैठ कर भजन करेगा मतलब कितना कठोर कितने कठिन जीवन बिताना पड़ेगा, कठिन जीवन बिताना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, बोले ये जीव को द्वारा नहीं होगा, ये जीव नहीं कर सकते हैं, ये जीव इसको ऐसे कठोर साधन भजन नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, ये मंदिर बनाया। मंदिर बना करके प्रभुपाद ने जैसे एक साधारण से साधारण व्यक्ति धीरे 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 एक साथ में तो कोई छलांग लगा ही नहीं सकते हैं, अगर कोई बोलेगा फिर पेड़ को नीचे रहेंगे नदी का पानी पी लेंगे घर में गीजर लगा हुआ ठंडा पानी में आज जो नहाए होंगे आपको कितना पता होगा जाकर कपड़े खोल करके पानी डालना कितना कठिन होगा, अगर नदी का पानी जो ठंडा पानी में कोई जाकर नहाएगा हाँ कितने कठिन होगा। इसलिए प्रभुपाद ने देखा इनसे ये सब काम नहीं होगा, हाँ इनके द्वारा ये सब काम नहीं होगा इनके द्वारा। इसलिए जीव धीरे 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 जैसे छह गोस्वामी थे वो सबके सब मंजरी और ये सबकी मंजरी थे, इसलिए इतना कठोर मतलब साधन भजन वो कर पाए, साधारण जीव इतना नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने मतलब बादाम चाल और गोवा घी, ये एक प्रभुपाद गोपा के बादाम चाल मतलब है बंगाल में एक तरह का चावल मिलता है जिसका नाम बादाम चावल, सबसे बेस्ट चावल है हैं? अगर रोसी हो ना जैसे बासमती चावल ना बड़ा खुशबू है, और गैया घी प्योर गैया का घी बंगाल में चावल के साथ में घी देकर खाते हैं हैं? उनको अगर चावल घी दे दो आलू से दे दो बोले भगवान मिल गए हैं, और दासा दाल हो गया था तो और बहुत बढ़िया है। इसलिए कहते प्रभुपाद ने क्या किया, कहते ये जीव को किसी ना किसी तरह से लोभ दिखा करके कैसे एक जीवन किसी तरह से भक्तिमय जीवन कैसे बिताए। इसलिए प्रभुपाद ने सुंदर मंदिर बनवाया, देखो जैसे यहाँ पर जैसे मंदिर है गीजर भी यहाँ पर गैस में गर्म पानी भी है और प्रसाद तो यहाँ पर बड़ौत के भक्त लोग तो कमाल करते हैं, रोज में परढ़ा ले आते हैं, कोई पोहा ले आते हैं, कोई डालिया ले आते हैं, खिचड़ी ले आते हैं, कोई गर्म गर्म परठा बना कर खिलाए जाते हैं, बड़ौत के लोग बड़े दयालु, कोई साग भाजी ले आते हैं, कोई पता नहीं क्या क्या कड़ी ले आते हैं, हैं आप लोग तो इतने बढ़िया बढ़िया हैं, इतने बढ़िया बढ़िया प्रसाद ले आते हैं, आप लोग घर में बुलाते हो बढ़िया बढ़िया प्रसाद खिलाते हो हैं। इसलिए कहते प्रभुपाद ने इस सब व्यवस्था किया, भैया कम से कम बढ़िया 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 से रहो बढ़िया से खाओ और बढ़िया से एक जीवन, मेरे गुरुदेव कहते थे किसी तरह से एक जीवन मंदिर में बिता दो, इतना ही कर दो एक जीवन किस तरह से, लेकिन तब भी जीव नहीं टिकता है मंदिर, मतलब इतने सुजग सुविधा देने पर भी मंदिर में हम तुम्हें मंदिर में रहता ना मतलब कितना साल से 99% लोग चले जाते हैं और जो 1% लोग किसी तरह से मंदिर में रह करके भजन करते हैं वो भी जो भजन करते हैं किसने प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद जी वो जो अमुक ब्रह्मचार्य था ना वो चला गया। देखो प्रभुपाद ने क्या कहता, बोले जो चला गया तो चला गया, अभी तक तो जो है मैं सोच रहा हूँ अभी तक तो मंदिर में कैसे रह रहा अभी तक तो वो कैसे रह रहा है मैं आश्चर्य हो रहा हूँ। मतलब है जो भगवान की जो भक्ति है जिसको रूप गोस्वामी कहते भक्ति सुदुर्लभ दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटि सोपी मामने, करोड़ों करोड़ों में कोई एक विरल व्यक्ति होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं। बड़ों तो भी बहुत सारे लोग माला फाला तो लिए लेकिन कुछ दिन बाद में जब देखता कंठी उतर गई तिलक नहीं है माला भी नहीं लटका कर रख दी, इसलिए उतना ही लोग भजन करते जितना लोग मंदिर जा रहे हैं, पूरा आप पूरा छठे हुए व्यक्ति हो जितने लोग मंदिर में आ रहे हो ना उतना भक्ति ही भजन साधन कर रहे हैं, जो माला लेकर घर में बैठे हुए वो भजन नहीं कर रहे, इसका माला गला से माला उतर गया तिलक तो है ही नहीं कहीं माला लटक रहा है। इसलिए जब तक साधु संग नहीं करेंगे तब तक भजन नहीं कर सकते, माला ले जाने पर सब कुछ नहीं
हैं, इसलिए इसलिए मंदिर में आना पड़ता है। जैसे पेड़ है लगाया अगर जब तक तो पानी नहीं तो पेड़ कहाँ से बढ़ेगा, तो सुगंध सूख जाएगा। इसलिए जो साधु संघ है हाँ, कभी ये पेड़ में पानी देने का काम होता है। उत्साह वैष्णव से हरि कथा सुन करके संतों का जीवन चरित्र वो ऐसे भजन करते थे, हम भी ऐसे भजन करेंगे, हम भी ऐसे भक्ति करेंगे हैं, तभी भजन होता है। इतना आसान नहीं भजन करना। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने ये बट मंदिर बनाया भैया, किसी तरह से एक जीवन किसी तरह से अगर भगवान के भजन करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर आप लोग कितना बजे उठे, 4 बजे तो उठे होंगे, नहा धो करके 4 बजे 5 बजे या आज मंगला दर्शन किया, प्रकीर्तन हरिकथा सुन करके 7 साढ़े 7 बजे चले जाओगे, मतलब 2-3-4 घंटा पूरा संपूर्ण रूप में उसमें आविष्ट हो जाते। अगर एक व्यक्ति अगर ऐसे आविष्टता अगर रहेगा, करते 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 क्या होता है, रोज उठे ठाकुर का पूजा सेवा, ये एक दिन ये स्वभाव में परिणत हो जाता है। यही चीज, कोई चीज को कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करते 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 आज मंगला दर्शन नहीं किया है, आज ठाकुर को आरती में नहीं, ये कथा नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, जब तक नहीं करेंगे उसके अंदर में एक एक क्या महसूस होता है, अभाव महसूस होता है। अरे आज हम ये नहीं किया, हाँ जब तक ये चीज नहीं आता है ना तब तक समझो भजन नहीं, आरती हो रहा हम सो रहे हैं, ठीक है जो कर रहे कर रहे, कीर्तन अरे करने दो ना, कथा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब तक ये है, जब तक कोई अभाव महसूस नहीं होता है ना, तब तक उसको साधन नहीं कहते। इसलिए प्रभुपाद ने बनाया, आओ कथा सुनो, बैठो कीर्तन करो, हरि कथा सुनो, ऐसे करते 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 यही संस्कार। इसलिए प्रभुपाद कहते थे जैसे कोई नौकरी पाना है ना, उसको पहले ट्रेनिंग होता है, और जो अच्छे तरह से ट्रेनिंग करता है उसको ही तो नौकरी मिलता है। इसलिए कहते ये जो मंदिर है, कहते ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर जो जितने अच्छे तरह से ट्रेनिंग करेगा उसको बढ़िया नौकरी ठाकुर के पास में बस नौकरी मिल जाएगा। अगर ये कहते हैं कि मंदिर हमारा घर ही है, उनका घर आ गए ना, पूरा घर सो रहे ना, आप इसको जाकर तो जो घर गए ना मंदिर में आवे, ये मंदिर में आवे और घर जाकर ना मंदिर, हमने तो मंदिर घर पे नहीं है, भगवान घर पे नहीं है, हां अच्छा। इसलिए इसलिए सोचते हो गए, इसलिए कहते यहाँ पर ट्रेनिंग बढ़िया होगा ना, फिर वहां पर नौकरी तुम्हें ठीक से नहीं मिलेगी, अरे यही पर तुम फेल हो तो नौकरी वहां क्या मिलेगा, नौकरी बहुत कुछ नहीं मिलेगी वहां पर। इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर ये है, जैसे यहाँ पर आ रहे इसलिए कहते तपस्या कहते ना, इसको तपस्या, तपस्या मतलब तपाना है। साधारण लोग इस समय क्या हो, रजाई ओढ़ के सोए होंगे, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, रजाई को फेंक करके स्नान करके यहाँ पर कथा सुन तपस्या कर रहे हो, शरीर को तपा रहे हो, तपा रहे हो, और जो तपस्या करेगा तो चमकेगा है, वो तो चमकेगा, जरूर वो चमकेगा है। इसलिए जो इधर आ रहे हो ना, एक बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हो, और इसका ना ब्याज समेत आपकी फल मिलेगा, ब्याज समेत ये सब चीज आपको ब्याज समेत मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तो देखो वैष्णव व्यवहार दुख निश्चय जानिए सही परानंद सुख। देखो यहाँ पर प्रभुपाद ये बात को कह रहे हैं, ये चीज को समझो, कभी कभी वैष्णव को ऊपर से साधारण रूप में देखो, अरे भगवान की भक्ति करते हो, तुम्हारे घर में रहने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, ये नहीं वो नहीं, कद नहीं, जब तो देखो वैष्णव और व्यवहारिक दुख, जो व्यवहारिक दुख तुमको दिखता है वो क्या, निश्चय जानिए सही परानंद सुख है। साधारण वैष्णव को दीन ही नहीं देख करके, साधारण रूप में देख करके उनके प्रति अनादर मत करो, ये क्या समझो, ये परमानंद सुख में है। विषय मदान सब किछु ही ना जाने, विद्यावाद धनवद वैष्णव नाचने, जो विषय में जो अंधे हुए व्यक्ति कहते वो वैष्णव को समझ नहीं सकते हैं, कहते विद्या मद धन मद में वो वैष्णव को पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रदान जहाँ देखी तुष्ट गौर भगवान, कहते महाप्रभु का जो भक्त है उनका वैराग्य पूर्वक भगवान की वैराग्य पूर्वक वो भक्ति करने वाले ये सब के सब है। इसलिए कहते हैं फिर ये जो भक्त लोग कभी कभी जाते हैं गृहस्थों के घर में कुछ भिक्षा लेने के लिए जो जाते हैं, कभी कभी भिक्षा लेने के लिए जाते हैं ना भक्तों घर में, कुछ भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, फिर ये वैष्णव लोग फिर दूसरे घर में क्यों जाते हैं, कारण क्या है, तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं इसलिए जाते हैं महत विचरण नाम नृणाम गृह नाम दीन चट साहब। इसलिए जो संसार में जो डूबे हुए व्यक्ति उनको धीरे धीरे कैसे भगवान की भक्ति में उन्मुख करें,
इसलिए उनका दिया हुआ वस्तुओं को कैसे ला करके भगवान की सेवा में ठाकुर की सेवा में लगाए, धीरे 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 इनकी सुकृति धीरे धीरे बढ़े, इनकी सुकृति धीरे धीरे बढ़े और भक्ति में धीरे धीरे अग्रसर हो सके। इसलिए साधु लोग जा करके कुछ कुछ वस्तु गृहस्थों को घर से ला करके ठाकुर की सेवा में लगा देते हैं। इसलिए हमारे गांव में नियम था, एक साधु आते थे, वो कहते थे देखो आप लोग तो यहाँ पर क्या खाते हो, रोटी ज़्यादा खाते हो, हमारे देश में तो चावल ही चावल खाते हैं। वो कहते थे देखो जब चावल अब जब ले जाओ ना ये करने के लिए रसोई बनाने के लिए, वो कहते थे एक मुट्ठी ऐसे चावल, एक मुट्ठी ऐसे चावल रखना और एक पात्र में एक मुट्ठी चावल रख लेना उसमें रोज, क्योंकि जो खाने के लिए ले जा रहे हो अगर एक मुट्ठी किसके लिए रख दिया, ठाकुर जी के लिए रख दिया तो वो भी हो गया प्रसाद। फिर क्या करता था एक साधु आकर के 15 दिन में नहीं तो महीना में आकर उसको ले जाते थे, अब उसको ले जाते थे। पहले ये सब चीज होता था, जैसे सीधा लेते हैं ना घर से जाकर सीधा लेते हैं, इसलिए इसको धरा धीरे धीरे जीविका सुकृति बढ़ता है और सुकृति बढ़ेगा तो फिर तो भगवान की भक्ति होगा। इसलिए गुरु जी एक सुंदर कथा सुनाते हैं, एक समय एक साधु गाँव में जाता था भिक्षा के लिए, जो लाता था ठाकुर की सेवा में लगाता था, सब लोग तो कुछ कुछ देते थे लेकिन एक बूढ़ी मैया थी, वो एक भी फोटा और एक भी पैसा को देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो गाली देती थी, हैं बोले तेरे तो शर्म नहीं लगता है भीख मांगने के लिए तो आ गए हो, बड़ी गाली देती थी। लेकिन वो साधु बड़े दयालु हुए, कुछ तो देते दे ठाकुर की सेवा के लिए रोज जाती थी। एक बार क्या हुआ, पहले क्या होता था गोबर और मिट्टी से पाट लगा करके घर को पोता लगाते, पहले वो सवेरे सवेरे पोता लगा रही थी गोबर मिट्टी का पानी में घर के पोत, इतने में वो साधु हुआ चले गए बोले माता जी भिक्षा आप दे ही कुछ भिक्षा दे, बोले दाढ़ी के शर्म नहीं लगा सवेरे सवेरे आ गए तू फिर है मुँह दिखाने के लिए, वो जो कपड़ा था ना गोबर मिट्टी से बोले ले और मारा साधु गोबर में बिगड़ते हुए। साधु तो दयालु बोले अभी तक तो कुछ दे ही नहीं रही थी, उन्होंने कम से कम आज तक कुछ दे दिया, उसको कपड़े को लेकर गए और उसको मल मल करके धोए और धो करके उसको सुखाया और उसका बत्ती बनाया, शाम को घी में डुबो करके ठाकुर जी को उन्होंने आरती ठाकुर जी को किया, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती कराए ललिता की सखी गाना, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर पीताम्बर सिखी पुत्र चूड़ा। जब ने आरती उतारा ना लेकिन वो कपड़ा किसकी, वो बूढ़ी माता जी की, अभी क्या हो गया वो ठाकुर जी की सेवा में लग गया। देखो जिनका कैसे कल्याण होता है, जब ठाकुर को सेवा में लग गई ना उसका हृदय अपने आप बदल गया, क्योंकि वो चीज ठाकुर जी की सेवा में लग गया अपने आप उसका हृदय परिवर्तन हो गया। इसलिए नियम है मंदिर में सेवा के लिए जो वस्तु आता है ना वो कभी अपना सेवा के लिए नहीं रखनी चाहिए, वो सब चीज ठाकुर को सचमुच से ठाकुर जी की गुरु वैष्णव की सेवा में लगे। नहीं तो जो व्यक्ति दे रहा है पैसा अगर वो सही सही नहीं लगेगा ना फिर अगले जीवन में उसको घर में बैल घोड़ा या तो गधा बनकर जन्म लेना पड़ेगा, उसको रीति उतारने के लिए उसको घर में तुमको लेना जन्म लेना पड़ेगा। क्यों, उसने दिया था ठाकुर को सेवा में लेकिन तुमने उसको ठाकुर को सेवा में नहीं लगाया, तुम उसको अपव्यवहार किए है, इसलिए वो चीज छोड़ेगा नहीं। इसलिए कहते साधु सावधान, साधु सावधान ये सब चीज के प्रति है। इसलिए वृंदावन में किसी हमारे भक्तों को भूत लग गया, बोले अभी भी कुछ साधु भूत बनकर घूम रहे हैं, वो स्वयं बताया क्यों, जो गृहस्थ व्यक्ति जो पैसा दिए उसको ठाकुर के सेवा में नहीं लगाए, वो स्वयं प्रेतात्मा जिसको ऊपर लगा था ना वो जाते समय वो यही बोल कर बोले तो सावधान ये जो भिक्षा की जो वस्तु आता है इसको सही सही ठाकुर की सेवा में लगनी चाहिए, अगर इसको कभी भी अपव्यवहार नहीं करना, वो स्वयं प्रेत बोलकर ये बात गया, कल कभी भी इधर उधर चीज में नहीं, सचमुच से ठाकुर गुरु वैष्णव सेवा में पैसा को सही सही लगानी चाहिए उस चीज को है। इसलिए उसका हृदय अपने आप उसका हृदय परिवर्तन अपने आप हो गया। जो दूसरे दिन बाबा आए ना रोज तो गाली देती थी, वो गांव में बाबा रोज आते थे, जब आए गांव में घुसे बूढ़ी माता जी कहते बोले बाबा आज मेरे घर में भी आई हो, बोले आज इसको क्या हो गया रोज तो मेरे गाली देती थी घर में बुला रही है। फिर उनने जब बाबा आए उनको बैठा करके माफी मांगा और थोड़ी बहुत उनको भिक्षा दिया। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं
भक्त लोग जो गृहस्थ भक्तों के घर में जाते हैं, क्यों जाते हैं, कहते तो उनका कुछ वस्तु ठाकुर की सेवा में लगा कि उनका सुकृति हो है, और धीरे 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 भक्ति में वो बढ़े, इसलिए साधु लोग जाकर कुछ वस्तु को लाते हैं और ठाकुर को सेवा में लगाते हैं। दिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि वांछा कल कर बस तत्ता नाम पावने जो वैष्णव हो। आज आज कौन बोलेगा कथा को? हाँ जनार्दन ने बोलो, कल कल का कथा बोलो। एक तो एक ये पंडित जी, छोटा पंडित ललित प्रभु, इधर आओ तुम, इधर आओ। हाँ ये छोटी छोटी कहानी तुम्हें याद नहीं करता?